आज यहाँ इस विरोध धरना पर फिलिस्तीनी जनता के बुनियादी हकों के जीने के अधिकार, देश के जीने के अधिकार और उनकी एकजुटता, इनके साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए ये हमारा धरना है। और आज जब हम आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज दुनिया की उस पूरी जनता की आवाज है जो समझ रहे हैं कि ये इज़राइल और ज़ायनिस्ट का जो हमला है वो किसी आतंकी ग्रुप जिसको वो कहते हैं उसके खिलाफ कतई नहीं है। उनका हमला इस बात को लेकर है कि फिलिस्तीनियों का देश का बुनियादी अधिकार को समाप्त किया जाए और पूरी फिलिस्तीनियों का जो जमीन है उसको कब्जा किया जाए। और इसीलिए जब आज हम लोग फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता प्रकट करते हैं, हम ये भी कहते हैं कि इज़राइल के जो ये झूठे प्रचार है कि वो हमस के खिलाफ है, इसको भी आज हम चुनौती देते हैं और हम कहते हैं कौन सा हमस है वेस्ट बैंक में, कौन सा हमस है जिसके कारण आप केवल गाजा में नहीं, आप आज वेस्ट बैंक पर भी हमला कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि आपका उद्देश्य क्या है और हम इसको समझ रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं और उसके खिलाफ आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे प्रिय साथियों, इज़राइल की ये हिम्मत इसलिए है क्योंकि अमेरिका का पूरा ताकत इज़राइल के साथ लगा हुआ है। कितनी शर्म की बात है कि आज ये बर्बर अत्याचार हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज यहां हम लोग बैठकर विरोध कर रहे हैं, आज गाजा में इस वक्त इस पल इज़राइल की वो ताकतें गाजा में जाकर बच्चों को, महिलाओं को कत्लेआम कर रहे हैं, मार रहे हैं, पूरा अस्पतालों का बॉम्बिंग के साथ और अटैक्स के साथ अस्पतालों में। ये वॉर क्राइम नहीं है तो क्या है? और आज दुनिया देख रही है, आज यूनाइटेड नेशंस में ये हालात बने हैं कि बच्चों के कत्लेआम में भी साम्राज्यवाद अपनी गंदी राजनीति को कर रहे हैं। और आज हम लोग इस बात के लिए भी खड़े हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सरकार ने जो शर्मनाक एब्स्टेंशन किया है यूनाइटेड नेशंस में, ये कतई हिंदुस्तान की जनता की आवाज नहीं है। साथियों, ये आज हम बताना चाहते हैं। आपने सुना हमारी इतिहास क्या है, हमारे देश की इतिहास क्या है, और आज ये मोदी सरकार पूरे देश की इतिहास को एक तरफ रखकर अमेरिका के एक सबॉर्डिनेट एलाय के रूप में अब्स्टेट करते हैं। ऐसे यूनाइटेड नेशंस की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि हमस ने जो किया है, हमस का जो अमानवीय हमला था इज़राइल में घुसकर नागरिकों के खिलाफ, वो था, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक बैकग्राउंड है, वो हम नहीं, वो सीपीएम नहीं, ये यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि आप उस कॉन्टेक्स्ट को भूल नहीं सकते हैं कि इतने सालों से अमेरिका और तथाकथित मजबूत देश खड़े होकर फिलिस्तीनियों की 16 साल, मेरे प्रिय साथियों, 16 साल ब्लॉकेज हुआ गाजा का, और उस 16 साल में इज़राइल और अमेरिका की मदद से सेटलर्स के नाम पर वहां तमाम लोगों को वहां सेटल किया गया,
और आज 10,000 हथियार वो सेटलर्स को दिए गए। वहां कल क्या हुआ वेस्ट बैंक में, किसान ऑलिव का जो एक फल है, ऑलिव वेस्ट बैंक मशहूर है ऑलिव्स की पैदावार में, वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनी किसान जा रहे थे फल करने के लिए, यही एक मौसम है, उनकी पूरी जीविका है उस पर वेस्ट बैंक में, लेकिन सेटलर्स ने जाकर ब्लॉकेट करके उन्होंने उस पर हमला करके मार दिया। ये कौन सा हमस है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। और शर्म की बात है कि मोदी सरकार उसमें शामिल है, उस महाझूठ में। और इसलिए हम जानते हैं एक महिला की आज क्या स्थिति है वहां, उसकी बच्ची इनक्यूबेटर में है लेकिन फ्यूल नहीं देने जा रहे हैं, ब्लॉकेट हो गया, डीजल फ्यूल वो नहीं भिजवा रहे हैं, बिजली नहीं है, बोल दिए कि 12 घंटा के अंदर अंदर अगर ये ब्लॉकेट नहीं उठता है, अगर ये ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं पहुंचता है तो सैकड़ों बच्चे उस इनक्यूबेटर में मरेंगे। ये दुनिया है जो देख रहे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते साथ। और इसलिए सीपीएम की लीडरशिप ने ये तय किया, ये बात सही है, ये प्रतीकात्मक है, एक घंटे का धरना है, लेकिन हम मैसेज देना चाहते हैं इस सरकार को कि जो तुम कर रहे हो तुम केवल फिलिस्तीनियों की स्वार्थ के खिलाफ नहीं, तुम दुनिया के देश की आजादी के खिलाफ सिर्फ नहीं कर रहे हो लेकिन हिंदुस्तान की जनता की सेंटिमेंट्स और इतिहास पर तुमने हमला किया और उसके खिलाफ देश भर में हम लोग विरोध करेंगे। आज केरल के अंदर केरल के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ एक ही मात्र ये मुख्यमंत्री है जो यहाँ खड़े होकर धरना में शामिल होकर वो कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनी जनता के साथ हैं। ये क्यों, ये हमारे दायित्व है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता प्रकट करके हम आगे बढ़े। और आखिर में मैं ये भी कहना चाहूंगी, ये साम्राज्यवाद विरुद्ध युद्ध है, ये धार्मिक युद्ध नहीं है। बहुत लोग यहाँ हमारे देश में ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि वो ही मोदी झूठ किया, सही किया, धर्म के नाम पर उनकी संकीर्ण उनकी सांप्रदायिक सोच इस सरकार को प्रभावित कर रही है। हम कहते हैं ये देश बचाने का ये एक संघर्ष है और सीपीएम उस संघर्ष के साथ है और हम पूरी जनता से, देश की जनता से अपील करते हैं, आओ इस संघर्ष में शामिल होकर हमारी जनता की आवाज उठाकर फ्री पैलेस्टाइन, सपोर्ट द पॉलिटिकल सॉल्यूशन सजेस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस of two nations. Israel will live in peace when Palestine's land, the Palestinians' rights will be guaranteed. And that is what we stand for. We demand an immediate humanitarian ceasefire. We demand the raising of the blockade to ensure humanitarian aid. And we demand that the world and its leaders recognize the fundamental right of Palestinians to exist. Let us take this struggle forward. Free Palestine, stop the war, ensure humanitarian aid. Thank you.